हमारा आम अंबुजा सीमेंट का आता है। ये बहुत मजबूत आम है, ये जड़ रहे थे, हमने अंबुजा सीमेंट लगा दिया, अब नहीं जड़ेगा। हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके? स्वागत है हमारे ब्लॉग में, अम इंटू ब्लॉग। हम इसका नाम चेंज करने वाले हैं जल्दी। सजेशन दीजिए क्या नाम रखें, उत्तराखंड के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से और इन खूबसूरत वादियों के हिसाब से। वो हमारे चाचा जी हैं वहाँ पे, जो उस दिन डुबकी लगा रहे थे, बोल रहे हैं कि सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। थावड़ा हाथ में, पता नहीं किसको फाड़ने वाले हैं आज। अमित बताएंगे आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ नया। अरे पानी आ गया, आगी जा सकते तू पानी। और आज हम आपको दिखाएंगे आमों का बगीचा, पिंटू भाई ने उगा रखा है, बहुत मेहनत करी है। जब हम छोटे थे तो तब हमने लगाए थे पापा के साथ में आम के, तो 17-18 साल तो हो गए इनको, बहुत मेहनत। ये देखिए, ये आड़ू का पेड़ है, इसकी सिंचाई हो रही है। आगे बढ़ने से पहले बता दे कितने पेड़ आम के थे, 26 थे टोटल जब लगाए थे। तो एक लंगूर है, बहुत मोटा है, उसने 14 पेड़ तोड़ दिए जब छोटे थे, मतलब मेरी हाइट के रहे होंगे। एक तो बहुत बड़ा पेड़ तोड़ा उसने, अभी 12 पेड़ बचे हुए हैं, उसमें से 2 में आम नहीं आए, बाकी सब में आम आ रखे हैं। तो ये पीछे देख रहे हैं आप इस साइड को, और एक पेड़ है सिंगल वो उस साइड को। तो चलिए आपको आमों के बगीचे का टूर करवाएंगे, अभी आम भी दिखाएंगे किस साइज के हो गए हैं। ब्लॉग में बने रहना अगले वाले में, क्योंकि उसमें हम इन आमों का अचार बनाएंगे, ठीक है? मम्मी उनका अचार बनाएगी, स्टे कनेक्टेड। चलें फिर आम खिलाते हैं आपको। ये है जो पहला पेड़ है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं। इसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे लेकिन ये झड़ चुके हैं। इजा अमित खड़े हैं यहाँ पे, पापा कह रहे थे कि मच्छी पालन करेंगे, पता नहीं कब चालू हो गए, पानी की कमी है अभी तो चालू नहीं कर पा रहे हम, ये कच्चा ही रहेगा। ये देखिए आम, अमित दिखाएंगे आपको, वाओ खूबसूरत। हमारा आम अंबुजा सीमेंट का आता है। ये बहुत मजबूत आम है, ये जड़ रहे थे, हमने अंबुजा सीमेंट लगा दिया, अब नहीं जड़ेगा। दांत टूट जाएंगे पर नहीं कटेगा। ये केले का पेड़ है, चलिए अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे पीछे नागेंद्र जी। वो हमारा मुर्गी फार्म है, वहाँ पे गोट फार्म एंड पोल्ट्री फार्म दोनों एक साथ हैं। चलिए अब अमित के पीछे चलते हैं, ही विल लीड अस। उसको दूसरे पेड़ में लगा दीजिए। ये आड़ू का पेड़ आपको बता दें, ये बगीचा है पूरा, इसमें फलों के पेड़ लगे हैं, अंगूर हो गया, आम हो गया और आड़ू, आलू बुखारा, पुलम, ये सारे पेड़ लगे हुए हैं। लीची का भी लगाया था, पेंडिंग है। ये देखो, ये अमित जा चुके हैं, ये हैं आम लगे हुए हैं हमारे। ये कौन सी प्रजाति का आम है नागेंद्र जी, आप बताएंगे? ये दशहरी है मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ये तो आपको नॉलेज जब आप आम बेचने जाओगे। देखिए अभी ऐसा है, बताना पड़ेगा ना आपको कि कौन से। अभी ऐसा हमारा नॉलेज कहीं और चला गया था, तो है नहीं है। ये देखिए काफी बड़े हो चुके हैं ये, लेकिन इनकी गुठली जो अभी मजबूत नहीं हुई है, वो मजबूत टाइप की गुठली होती है वो नहीं। देखिए ये वाले दिखाइए ना, ये वाले बोल रहे लड़ी, ये कैसे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये सबसे बड़ा लग रहा है मुझे इस पेड़ में, और ये जो ब्लैक से दाग है, इनमें से कुछ पानी निकलता है व्हाइट कलर का, तो उससे हो रखे हैं। और ये देखिए पेड़ों में काफी आम आए हुए हैं, देखिए अब इनमें नए पत्ते और कोंपले भी आने लग गई हैं, नए पत्ते आने लग गए हैं। इस बार इनमें सिंचाई हुई है। और ये इधर करेला है, ककड़ी है, ये लौकी है, इस पे आम नहीं आया है, नहीं तो ये 1 किलो का एक आम होता है, ये वाला इस बार आया नहीं। इसको भी लंगूर ने तोड़ा था बीच में से, यहाँ से तो वहाँ से चार तरफ निकले हैं। ये फ्रांस बीन है, बीन्स। ये देखिए आम यहाँ पे, ये दूसरे टाइप का आम है, इसको शायद बम्बैया है, कौन सा आम बोलते हैं मुझे नॉलेज नहीं है अभी इतना। ये तीनों आ रखे हैं यहाँ पे,
और यहाँ अंदर काफ़ी ठंडा है, छाया है। यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ है हमारा बीच में, ये अमरूद का पेड़ है और ये आम के पेड़ से लड़ाई कर रहा है ऊपर कि मुझे भी आगे बढ़ने दे। अभी आपको दूसरा अमरूद का पेड़ दिखाएंगे, ये देखिए ये अभी छोटा है बहुत। यहाँ पे ये दूसरे आम का पेड़ है, फिर इस पेड़ में सबसे ज़्यादा आम है मेरे हिसाब से, जो झड़े भी नहीं है, लेकिन उस वाले के झड़ चुके आम ये। इससे बहुत ज़्यादा आम झड़ते हैं, इससे बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब आधा भी नहीं रहा हुआ है झड़ के। ये बाहर जामुन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो जामुन का पेड़ है, ये भी जामुन का पेड़ है, वो अखरोट का पेड़ है और वो नीचे नदी है और वो संजय चाचा जी लोगों का घर है, वहाँ पे मेरा दोस्त है बबलू, उसका घर है। और हम अभी सिंचाई कर रहे हैं वैसे यहाँ पे शाम के टाइम पे, बड़ा अच्छा लगता है ठंडे पानी से सिंचाई करना। देखिए इधर आगे चलते हैं थोड़ा, बाकी पेड़ भी दिखा देते हैं आपको। और ये बाहर से देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे रास्ता है बाहर से, बाढ़ तो करिए तारों से लेकिन ये रास्ता है, ये देखेंगे आप इधर। तो कई लोगों ने तो आम तोड़ दिए रास्ते से। ये देखिए इसमें नीचे किसी ने आग लगाई होगी तो केवल आम ही आम दिख रहे हैं, पत्ते नहीं है यहाँ पे। ये जामुन का पेड़ है, धीरू भाई लोगों का है ये। और ये देखिए ये हल्दी होती है मसाले वाली, उसके पत्ते हैं वो, बड़ा अच्छा नज़ारा दिख रहा है अभी। ये केले के पेड़ हैं, उसमें पानी डालने के लिए, यहाँ भी ये आम है। अब हम आपको अंगूर की बेल दिखाएंगे, वो भी बहुत पुरानी है लेकिन वो जानवर होने नहीं देते उनको। तो लगभग एक क्विंटल के लगभग आम तो निकल ही जाएंगे इनमें, बचते बचाते 10-15 दिन बाद। ये अंगूर की बेल है, दिख रही होगी आपको, ये कद्दू है, ये लौकी है और यहाँ पे एक नींबू का पेड़ भी है, ये है, ये भी मैंने ही लगाया था, देखिए अंदर। चलिए फिर अब बगीचे का एंड होने वाला है, काफ़ी बड़ा है, लगभग 400 गज में है ये बगीचा, काफ़ी बड़ा है वहाँ से है और ये इधर तक, यहाँ बाड़ करी हुई है तार से और लकड़ियों से, उधर रास्ता है, ऊपर की साइड में हम लोगों के घर हैं। उधर परसों रोड में गए थे जॉगिंग करने के लिए, वहाँ ऊपर जो व्लॉग देखा होगा आपने उस साइड को है, ये पहाड़ है शिवालिक रेंजेस जैसा कि बताया है। और ये वाला आम है जो बहुत बड़ा होता है, एक एक डेढ़ डेढ़ किलो का एक आम होता है ये वाला, इसका सेब भी दूसरे टाइप का है, इससे अलग है, ये वाले आम से अलग है, इसको देखेंगे आप, इनसे अलग है ये दूसरे सेब में। तो फिर ये था छोटा सा टूर हमारे आमों के बगीचे का, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्रिस्प और छोटा सा बगीचे का टूर बस। अगले व्लॉग में जैसा कि बोला है, आशा करेंगे ये वाला भी आपको पसंद आएगा, दूसरा भी पसंद आएगा, उसमें हम ये जो आम झड़ रहे हैं उनसे तोड़ेंगे नहीं क्योंकि उनको पकने के लिए बड़ा करेंगे अभी, तो जो झड़ रहे हैं आम उनसे हम क्या बनाएंगे, अचार, अचार बनाएंगे। तो मम्मी उनका अचार बनाएगी, बड़ा अच्छा टेस्टी, बहुत अच्छा अचार बनाती है, हर साल बनाती है मेरी मम्मी, बहुत अच्छा अचार बनाती है, बहुत सुंदर, हमको नहीं देती पर कभी नहीं। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, देते देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, देते हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमको, एक दो दिन लगेंगे क्योंकि अभी आम काटने पड़ेंगे। तो फिर कमेंट में थैंक यू चाची जी लहरा दें। तो अगले ब्लॉग का भी वेट करना, इसको भी देखिए, देखना ये आम कैसे होते हैं, जो मार्केट की चीज़ें उनसे बढ़िया कि घर की खाएं तो ज़्यादा बेटर है, घर की हमारी कोई सब्जियाँ घर की है इसमें, अभी कोई केमिकल नहीं है, पकाने के लिए शायद यूज़ करेंगे, मैं नाम भूल गया उस दवाई का, लेकिन यूज़ कर सकते हैं उसको, ज़रूरी भी है, वैसे इतनी गर्मी हो रही है कि खुद ही पक जाएगा, बपे बपे के मैंने अपना आप ही पक जान, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलो फिर, अच्छे पेड़ हैं, बहुत अच्छा लगता है, इनके नीचे बैठ जाओ गर्मी में तो बहुत अच्छी छाया है। चलो बाय बाय आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, ओके।